खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सब सुरगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे एपिसोड्स को देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप आज का एपिसोड भी देखेंगे, उसको लाइक करेंगे और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि सब लोग बरकत को हासिल कर सकें। तो आए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। जी तो हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं 9th क्लास में हूं। मैंने इनका यूट्यूब पे चैनल देखा और मैंने कमर सिंह से रब्ता किया और आज मैं स्टूडियो में, और मेरा नाम साहिल है। जी थैंक यू कि आपने हमारा प्रोग्राम पसंद किया और हमसे आपने कांटेक्ट किया और आज आप आरटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। व्यूअर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं साहिल, इन्होंने हमारे साथ यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देखा, उसको पसंद किया और आने के लिए कहा और हम इस बात से बहुत खुश हुए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, खुदावंद का कलाम सीखना चाहते हैं और इसको दूसरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो आए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी तो साहिल, हम अपना पहला सवाल देखें। इसमें आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, आपने वो ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं और जो ऑप्शन आपको सही लगे आपने वो जवाब देना है। तो हम अपना पहला सवाल देखते हैं। आपके लिए आज का पहला सवाल है, अब्राहम कितने बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ? ऑप्शन ए 70 इयर्स, ऑप्शन बी 75 इयर्स, ऑप्शन सी 170 इयर्स और ऑप्शन डी है 175 इयर्स। 75 इयर्स, ऑप्शन बी कहा आपने जी। हम स्क्रीन पे देखते हैं कि ये सही है या नहीं। जी व्यूअर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 75 इयर्स। वेरी गुड, आपका जवाब सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खुदा ने कौन सा मुल्क अब्राहम की नस्ल को देने का वादा किया? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी हनूक, ऑप्शन सी कनान और ऑप्शन डी है हारान। साहिल आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इनको देखें और जो सही है वो बताएं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आप इस बारे में श्योर है? जी जी, तो हम देखेंगे स्क्रीन पे। वेरी गुड साहिल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कनान। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब खुदा अब्राहम को दिखाई दिया तो उसने क्या काम किया? ऑप्शन ए दुआ की, ऑप्शन बी कुर्बान का बनाई, ऑप्शन सी खुदा का हुक्म सुना और ऑप्शन डी रवाना हो गया। जी साहिल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आप इस बारे में श्योर है? जी। पढ़ा है आपने? जी। चलिए हम स्क्रीन पे देखेंगे। जी साहिल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कुर्बान का बनाई। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्राहम मिस्र को रवाना क्यों हुआ? ऑप्शन ए मुल्क में काल था, ऑप्शन बी सफर कर रहा था, ऑप्शन सी मिस्र में रहना चाहता था और ऑप्शन डी है वादा की जमीन के लिए। कौन सा सही जवाब है? मुल्क में रवाना हुआ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहा आपने? जी, तो व्यूअर्स हम स्क्रीन पे देखते हैं कि साहिल का जवाब सही है या नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मुल्क में काल था, आपका जवाब सही है। हमारा अगला सवाल है, अब्राहम ने किस मुल्क में दाखिल होकर अपनी बीवी से कहा कि तू मुझे भाई बताना? ऑप्शन ए कनान, ऑप्शन बी मकामे सिकम, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी यॉर्डन। बहुत ही आसान सवाल और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको इसका जवाब भी आता होगा। ऑप्शन सी मिस्र। ऑप्शन सी हम स्क्रीन पे देखेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मिस्र। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
मुश्किल तो नहीं है हमारे सवाल? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है। नहीं, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हैं और हमारे व्यूवर्स को सिखाने भी आए हैं। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखें। जी देख जी, तो व्यूवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराउन के हजूर किसने अब्राहम की बीवी की तारीफ की? ऑप्शन ए नौकर, ऑप्शन बी सूबादार, ऑप्शन सी गुलाम और ऑप्शन डी उमरा। ऑप्शन डी उमरा। ऑप्शन डी कहा आपने, हम स्क्रीन पे देखेंगे। वेरी गुड साहिल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फिरौन और उसके खानदान पर किसकी वजह से बलाएं नाजिल हुई? ऑप्शन ए अब्राहम, ऑप्शन बी सारी, ऑप्शन सी उमरा और ऑप्शन डी है लूत। जी साहिल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जी, हम स्क्रीन पे देखते हैं कि ये सही है या नहीं। जी साहिल, आपका जवाब सही है, ऑप्शन बी सारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फिराउन पर बलाएं आई तो उसने किसको बुलाया? ऑप्शन ए अब्राहम, ऑप्शन बी लूत, ऑप्शन सी सारी और ऑप्शन डी उमरा। जी साहिल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी, हम देखें ये सही है या नहीं। जी तो व्यूवर्स, स्क्रीन पे देखते हैं कि साहिल ने जवाब सही दिया है या नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अब्राहम। वेरी गुड साहिल, ये जवाब भी सही है। जी तो साहिल, आपने सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे आरटीवी शो में आके बहुत अच्छा लगा और मेरी काफी नॉलेज बढ़ गई है शो में आके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी शो में आए और अपना इंटरव्यू देते हैं। थैंक यू सो मच साहिल कि आपने टाइम निकाला और खुदावंद के कलाम को व्यूवर्स तक भी पहुंचाया। आपको खुदा इसी तरह बरकत से नवाजता रहे। जी तो व्यूवर्स, आज साहिल के साथ हमारा एपिसोड बहुत अच्छा रहा। आपको कैसा लगा ये आपके कमेंट्स और लाइक में बताएंगे। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, यदि आप टीवी स्टूडियो में आना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता जरूर करें, ताकि आप भी यहाँ पर आकर कलाम सीखें और लोगों तक भी पहुंचा सके। खुदावंद आप सबके साथ हो।